मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आज का दिन खास है, मजदूरों के लिए मनाया जाता है। इससे पहले जो औद्योगिकरण हुआ था, जिस टाइम से मजदूरों को कोई काम के घंटे, कोई यूनियन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, कोई काम के घंटे, कोई न्यूनतम वेतन, कोई अन्य सुविधाएं, कोई धरना प्रदर्शन मीटिंग हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं होता था, जिस बात को लेकर के वहाँ मजदूरों ने शुरुआत की। 1886 में अमेरिका के अंदर शिकागो शहर के अंदर जो जुल्म ज्यादती मजदूरों के खिलाफ हुई, जो उनके नेताओं के निर्दोष होते हुए भी उनको फांसी पर चढ़ाया गया कोर्ट में केस चला के, ऐसे सवालों को लेकर के, बल्कि ये 1886 से नहीं, 1806 से लेके लगातार बार 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 कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में, इस प्रकार से मजदूर अपनी लड़ाई लड़ते हुए 1886 में एक वो बड़ा आंदोलन का रूप ले गया। और हिंदुस्तान के अंदर मद्रास में, मद्रास चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी होती थी, 1923 में मजदूर दिवस मनाने का शुरुआत मद्रास के 1923 में हुई थी, जिसको लेकर के हम लगातार आज भी हमारे हिसार के अंदर उकलाड़ा में, आदमपुर में, बरवाड़ा में और हांसी में, नारायणद में, हिसार में ये मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। हम जुलूस के रूप में आज जा रहे हैं। करा दे कॉमरेड सुरेश कुमार, CI2 राज्य उपाध्यक्ष, आप देख पा रहे हैं मजदूर दिवस के उपलक्ष में। नमस्कार जी, पहले परिचय करा दे। मेरा नाम देशराज है और मैं CI2 का जिला का अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज मई दिवस है और ये मजदूर की जिंदगी का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में। आज 1 मई के दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसका इतिहास है कि मजदूरों ने लंबा संघर्ष छेड़ा था इन पूंजीपतियों के खिलाफ, एक अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आए थे मजदूर संघर्ष के बदौलत, इसी रूप में इसको मनाया जाता है। और आज जिस प्रकार से देश में एक बार फिर मजदूरों को गुलामी जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसकी निंदा भी आज के दिन पूरे देश में की जा रही है और हम लोग भी इशारे में कर रहे हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों के शासन में मजदूरों ने मिलके संघर्ष करके कानून बनवाए थे, श्रम कानून बनवाए थे, उन श्रम कानूनों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 39 श्रम कानूनों को तोड़ के 4 कोर्टों में जो बदल, और निश्चित तौर पे आज देश का मजदूर ये निंदा करता है कि जो श्रम कानून तोड़े गए हैं देश में बीजेपी सरकार द्वारा, उनको रद्द किया जाए, दोबारा से 44 जो कानून है उनको बहाल किया जाए। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों का आंदोलन चला है और उसके बाद जो समझौता हुआ वो आंदोलन वापस लिया गया, वो जो समझौता हुआ है उसको हरियाणा सरकार, उसको लागू किया जाए। और इसी प्रकार से अनेक मजदूर, कर्मचारी, किसान, छोटे व्यापारी आज संघर्ष में हैं, उनकी भी जो तमाम मांगे हैं मई दिवस के मौके पे, हम ये हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि तमाम उन लोगों के जो संघर्ष है उनके संघर्ष को समझते हुए उनकी जो जायज मांगे हैं वो मानी जाए। आप देख पा रहे थे इस समय तस्वीरें, रोष प्रदर्शन जो मजदूर दिवस के उपलक्ष में इसमें निकाला जा रहा है। कच्ची नौकरी की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो MPS की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो MPS की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, पक्की नौकरी की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अगर अपनी जान का बलिदान भी देना पड़े वो बलिदान दे के भी हम हक प्राप्त करेंगे। और असल में आज मई दिवस के मौके पर जो शहीद हुए थे साथी उनको असली श्रद्धांजलि जब ही होगी जब हम अपने अलग अलग संगठनों में जहां हम काम कर रहे हैं उन संगठनों में जो पीड़ित लोग हैं उनको इकट्ठा करके संघर्ष के रास्ते पे हम लेके आएंगे और हमारी जो एकता है उसको मजबूत करते हुए और ये पूंजीपति की जो गुलाम